हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जनहित स्किल्ड में। आज हम बीसीबी ब्रेकर के बारे में समझेंगे, इसकी सर्विस में हम लोग क्या क्या करते हैं और इसके जो इंटरनली पार्ट हैं उन पार्टों के क्या क्या नाम हैं, उनकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में और डीप डिटेल जो देंगे हमारे दीपक जी हैं, जो काफ़ी साल से इसमें एसटी लाइन में एसीबी का, एलटी का, ट्रांसफार्मर का जो एक अच्छा खासा अनुभव इनके पास है। तो अभी हमने इसको वर्कआउट किया है, इसके अंदर से बाहर निकालने के बाद इसका फ्रंट का कवर हमने अभी ओपन कर लिया है। अभी इसके बारे में बताएंगे, इसकी जो सर्विस करते हैं वो क्या क्या इसमें करना होता है। बताते सर्विस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके सारे मूविंग कॉन्टैक्ट्स को देखते हैं और उसकी सर्विसिंग में जो है उसकी सारी पुरानी ग्रीस को हटाया जाता है और जो है नई ग्रीस को लगाया जाता है। ये इसका मैकेनिज्म पार्ट है। इस मैकेनिज्म में ये गियर है, ये चार्जिंग के लिए होता है, ये स्प्रिंग होती हैं जो मेन स्प्रिंग होती है, ये पूरे ब्रेकर के मैकेनिज्म को चार्ज, जब तक नहीं होगा ये ब्रेकर ऑन नहीं होगा। इस ब्रेकर को अगर चार्ज करना है तो ये चार्जिंग हैंडल है, इस हैंडल को इस तरीके से हम लगाते हैं और ये इसका अभी स्प्रिंग डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज का इंडिकेटर है, ये ऑन ऑफ का इंडिकेटर है। हम इस तरीके से हैंडल लगा के स्प्रिंग को चार्ज करते हैं और ये अब इस टाइम हो चुकी है चार्ज। चार्ज करने के बाद इसको दो तरीके होते हैं चालू करने के लिए, एक तो होता है इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली में ये क्लोजिंग कॉइल होती है हमारी और ये होती है ट्रिपिंग कॉइल, जिसकी वजह से जो ये टीएनसी स्विच है, इस टीएनसी स्विच की जब कमांड हम क्लोज की कमांड देंगे तो इस कॉइल को कमांड मिलेगी और ये ब्रेकर को ऑन करा देगी। अगर हम इस टीएनसी से ट्रिप की कमांड देते हैं तो इस कॉइल को कमांड मिलेगी और ये मैकेनिज्म को ट्रिप करा देगी। अब जब ब्रेकर हम बाहर निकाल देते हैं तो उस टाइम पे अब हमें ये ब्रेकर ऑन करना है, तो क्या कंडीशन होती है, हम इसको इलेक्ट्रिकली तो चार्ज कर नहीं सकते, इसलिए इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है मैनुअल चार्ज करने के लिए, मैनुअल ऑन ऑफ करने के लिए। हमने मैनुअली इसकी स्प्रिंग को चार्ज किया, उसके बाद ये क्लोज का बटन है और ये ट्रिप का बटन है, अभी इस टाइम ये ऑफ पड़ा हुआ है, अब हमें इसको ऑन करना है, तो हमने ये बटन दबा दिया तो ये ब्रेकर हो गया ऑन, ठीक है। और जब हमें इसे ऑफ करना होगा तो ये ऑफ हो गया। ये एक हमारा होता है काउंटर मीटर, इस काउंटर मीटर से हमें ये पता लगता है कि अभी तक कितनी बार ये ब्रेकर ऑन और ऑफ हो चुका है, जिसमें आप जैसे देख सकते हो इसमें हमारे 245 ऑपरेशन हो चुके हैं। जब इसके पूरे 1 लाख ऑपरेशन हो जाएंगे तब उसके बाद ये मैकेनिज्म को पूरा रिप्लेस करना होता है। बाकी ये इसके लॉक है, ये सेफ्टी लॉक है, जब तक ये लॉक की पोजीशन पे नहीं आएगा जब तक ये ब्रेकर ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये जो लीवर होता है ये प्रेस होना चाहिए, जब तक ये लीवर प्रेस नहीं होगा ये ब्रेकर ऑन नहीं होगा। ये मोटर ये ऑक्सिलरी स्विच होता है, इस स्विच का काम ये होता है कि ये जो हमारा कनेक्टर लगा हुआ है 32 पिन का, ये 32 पिन का कनेक्टर है, इसी से इस ब्रेकर की वायरिंग हो रखी है, जैसे आप देख सकते हो ये वायर वगैरह सारी आ रखी है, तो इस ऑक्सिलरी स्विच से जो है सप्लाई चलती है और ये इसकी रॉड है, जब तक इसको कमांड नहीं मिलेगी तो ये मैकेनिज्म लीवर जो है ये इसको ऑन ऑफ होने नहीं देगा। बाकी जो है मैकेनिज्म तो बहुत छोटा सा है, ये होता है रैक इन रैक आउट का हैंड गियर, जिसको हम जो है इस तरीके से, अभी ये जैसे लॉक की पोजीशन पे है, जब हम इसको रैक आउट करेंगे तो ये लीवर घूमना शुरू हो जाएगा और जब ये आ जाएगा फ्री, फ्री का मतलब ये ब्रेकर बाहर निकल चुका है। जब हम इस ब्रेकर को अभी रैक इन करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ब्रेकर को रैक इन करा जाता है और किस तरीके से ब्रेकर को रैक आउट करा जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें पीछे की तरफ आ जाइए,
पीछे हमारे पास इस ब्रेकर में क्या क्या लगा हुआ है। ये हमारे होते हैं सपोर्टिंग इंसुलेटर। इन इंसुलेटरों का काम ये होता है कि जब 11,000 की सप्लाई इसमें जब आती है तो हम इस बॉडी को जो है छू लेते हैं आसानी से। क्यों छू लेते हैं? बिकॉज ऑफ दिस। ये जो इंसुलेटर है ये इसका काम ये होता है कि ये शॉक नहीं लगने देता है, ठीक है जी। उसके बाद ये होती है हमारी वैक्यूम बॉटल्स। इसी बॉटल की वजह से जो है इस ब्रेकर के अंदर कॉन्टैक्ट बनते हैं और ऑन ऑफ होता है। यही इस ब्रेकर का सबसे मेन पार्ट है। अगर ये चीज़ डैमेज हो गई तो ये ब्रेकर ख़राब हो जाता है। मॉइस्चर वगैरह, हाँ जी। और सबसे ये मॉइस्चर भी पकड़ लेता है और जो है अगर इसके कॉन्टैक्ट ख़राब हो जाते हैं तो फिर लास्ट में इसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये होते हैं इसके फिक्स कॉन्टैक्ट जिन्हें जॉ कॉन्टैक्ट बोलते हैं हम। इसी के जैसे ये इस ब्रेकर में है सेम इसी तरीके से जो है आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। ये जो सामने फिडर और बस बार का जो है ये इसका शटर है। जब इस शटर को ऑन खोलेंगे तो इसके अंदर जो है आपको इसके लिंक दिखाई देंगे जिसमें जाकर ये फंस जाता है। अभी तो हम इसको दिखा नहीं सकते क्योंकि लाइन चालू है। जब लाइन बंद होगी तो हम इसको भी शटर को भी खोल के दिखा देंगे आपको कि अंदर से कैसे होता है। सर्विस के लिए हम जो है ये CRC यूज करते हैं। CRC से जो है जितना भी कार्बन होता है और जो डस्ट वगैरह होती है वो सारी चीज इससे क्लीन हो जाती है। बाकी ये हमारी लिथियम, ये होती है हमारी हाई टेम्परेचर लिथियम ग्रीस जिसको हम जो है इसको मैकेनिज्म में और ये कॉन्टेक्ट पे लगाने के लिए काम में लेते हैं। इसमें ये हमारी ओवर करंट अर्थ फॉल्ट की रिले होती है। ये ST ब्रेकर की जो है हमारी प्रोटेक्शन होती है। अगर ST लाइन पे ओवर करंट का कोई फॉल्ट आता है तो इस पे ओवर करंट का लिख के आएगा और जो है यहाँ पर ये ट्रिप का लाइट जल जाएगी और जिसकी वजह से हमारा VCB जो है ट्रिप हो जाएगा। अगर इस पे सेम ऐसी इस पे अगर अर्थ फॉल्ट की कमांड आती है तो अर्थ फॉल्ट यहाँ पे आएगा लिखा हुआ, ट्रिप आएगा और ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। ये तो ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट का जो है रिले है। और ये वाली जो रिले है ये हमारी ऑक्सिलरी रिले है जो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए होती है, जिसमें से एक बुकल्स की होती है, एक WTI मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और एक OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर रिले होती है। इस ये पहले अलार्म देगी, अलार्म देने के बाद इसका जो ये फ्लैग है ये नीचे गिर जाएगा तो ये ट्रिप हो जाएगी। अगर ट्रांसफार्मर की बुकल्स में एयर बनती है या WTI का टेम्परेचर ओवर हाई हो जाता है या OTI का टेम्परेचर हाई हो जाता है तब ये रिले काम करेगी और ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। इसकी सेटिंग वगैरह इनको कुछ नहीं होता है, इसमें वो CT रेशो वगैरह डालना होता है। कोई बात नहीं होती तो दोस्तों ये हमारी 630 एम्पियर की हमारा BCB है। BCB का आप लोगों को सबको पता ही होगा, BCB का पूरा नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसकी सर्विस में बेसिकली जो इसमें डस्ट पार्टिकल है उन सबको रिमूव किया जाता है, जो पुरानी जो ग्रीस वगैरह लगी होती है उसको रिमूव किया जाता है, नई ग्रीस लगाई जाती है, जो भी हमारा मैकेनिकल पार्ट है उन सभी पे, और कार्बन को CRC के द्वारा रिमूव किया जाता है। ये हमारी वैक्यूम बोतल्स हैं और जैसा कि दीपक जी ने अभी बताया सारी चीज़ें, और BCB का रैक इन रैक आउट की ऑलरेडी काफ़ी वीडियो पड़ी हैं, आप YouTube पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो बच्चे ITI डिप्लोमा या BTEC कर रखे हैं या कई कई वर्षों से एक ही पद पे कार्य कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो हमारे कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।